अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आई एम योर टीचर फ्रॉम फ्यूचर कंसर्न ग्रामर स्कूल, और आज हम नमाज अदा करने का सही तरीका देखेंगे। तो आइए, लेट्स स्टार्ट। नमाज में सबसे पहले वज़ू का करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद नमाज अदा करने के लिए जगह का पाक होना भी ज़रूरी है। नमाज अदा करने के लिए सबसे पहले नियत की जाती है, उसके बाद नमाजी अल्लाहु अकबर कहकर तलबीह करते हैं। इसके बाद सना की जाती है, जिसमें सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मका व तआला जद्दुका के बाद सूरह फातिहा और सूरह इखलास पढ़ी जाती है। इसके बाद रुकू के लिए झुका जाता है, जिसमें 3 मरतबा सुबहान रब्बी अल अज़ीम दोहराया जाता है। इसके बाद अल्लाहु अकबर कहकर कोमा की हालत में समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बाना लकल हम्द पढ़ा जाता है और सजदे के लिए झुका जाता है। सजदे के दौरान नमाजी 3 मरतबा सुबहान रब्बी अल आला दोहराते हैं। इसके बाद अल्लाहु अकबर कहकर कुछ सेकंड्स का वक्फा दिया जाता है और दूसरे सजदे के लिए झुका जाता है। 2 रकत नमाज अदा करने के बाद नमाजी तशहुद की हालत में बैठते हैं, जिसमें अत्तहियात के बाद दरूद शरीफ पढ़ा जाता है। इसके साथ कोई और दुआ भी पढ़ी जा सकती है। इसके बाद नमाजी दोनों कंधों की तरफ देखते हुए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु कहते हुए नमाज को मुकम्मल करते हैं। प्यारे बच्चों, फ्यूचर कंसर्न ग्रामर स्कूल अपनी बनाई गई हर वीडियो अपने यूट्यूब चैनल FC स्कूल सरगोधा के चैनल पर अपलोड करता है। फ्यूचर कंसर्न की तमाम वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि अपलोड होने वाली हर वीडियो आपको मौसूल हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको नमाज अदा करने का सही तरीका समझ में आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।